Hey everybody, welcome to your very own Baijo 6th, 7th and 8th channel. I'm Saurabh, your physics mentor. And all you, my dear 7th graders, we are here to solve previous year questions of Science Olympiad, the NSO. So I hope I'm clearly audible, clearly visible. Come on, give me a heads up. Hello, hello. Yes, how are you? How <laughs> सी, सम ऑफ यू माइट हैव गिवन इट ऑन ट्वेंटी फर्स्ट कुछ लोग का होगा फिफ्थ ऑफ डिसंबर को राइट हेलो क्लियरली ऑडिबल? क्लियरली आई एम स्मॉल नहीं यार, आई एम नॉट दैट स्मॉल. गुड इवनिंग अरे वाह. कैन वी मेक द चैट लाइव प्लीज पूर्वी कैथरीन आराध्या ममता अभिनव नॉलेज, सृष्टि हेलो वरुण नाइस गुड इवनिंग गुड आम गुड यार बिल्कुल क्लास में रिवाइज करेंगे हाउ वॉज योर ओलंपियाड एंड हाउ मनी गोइंग टू गिव इट कितने लोग दे चुके हो कितने लोग देने वाले हो एंड यू नो वॉट टूडे वील डू प्रीवियस क्वेश्चन साइंस ओलंपियाड बट दो ओनली ओलंपियाड मोर कितने लोग को पता है ये बात यस आई एम गुड आई एम गुड ग्रेट वेरी गुड यस सुमैया जल्दी डन वेरी गुड डन ओह नाइस मीन थोड़ा लेट हुआ लेकिन हम लोग फिर भी टाइम से है ना यूर गोइंग टू डू सो एन एसओ इज नॉट द ओनली ओलंपियाज वी हैव मोर एंड यू वोट बिलीव वेर आई एम टूडे फुल तैयारी चल रहा है तुम्हारे कल के सेशन का राइट right? पहले सुनो ध्यान से अपार्ट फ्रॉम एनएसओ We have Silver Zone Olympiads also a National Level Science Talent Science Examination, NSTSC. They go Olympiad, the NSO, 5th of December, ke baad, we have stage one close, right? Stage 2 will have sometime in Jan, maybe Jan, feb dates are yet to be decided. Silver Zone Olympiad, uh, they go content-wise, syllabus wise everything is almost same. In Silver Zone Olympiads,

you are going to give NSTSE. Well done, yeah. Play time. Very good. Very good. Silver zone. Nice. See, today we are not discussing in detail. ये exactly कब देने हैं, कैसे register करना है. I am just giving you a direction. इसके बाद तुम खुद सोच सकते हो, ठीक है? But today we'll do previous year questions of NSO because अगर वो तैयार कर रहे हो, बाकी अपने आप तैयारी हो जाएगा, right? So what do you say? Are you ready? Grade seventh from physics, we have these chapter in NSO. लाइट इलेक्ट्रिसिटी टाइम एंड मोशन और हीट करेक्ट है ना सर ये पढ़ लिया वेरी गुड्स वाई वी आर हेयर सब पढ़ने के बाद एक लेवल ऊपर जाएंगे क्या करना है प्रेस द सब्सक्राइब बटन फटाफट सब्सक्राइब करो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू यू डोंट मिस एनी सेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक दिस वीडियो वेटिंग फॉर ये ऑल राइट आर यू रेडी एंड बिलीव मी यू शुड हैव योर पेन एंड यूर नोटबुक विद यू कम ऑन कितने लोग पे है पेन नोटबुक कितने लोग पे नहीं है बिकॉज इफ यू डों फटाफट गो रन एंड गेट इट बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेक द लाइक लीडर्स ठीक है ओके एकरा इज द टुडे लाइक लीडर इकरा ऑन यू आई एल नोट योअर नीम नाउ यस

So, are you ready? Fada, fada some Josh in the chat. here. Come on, thanda ni jalega. Yes. And the like target is 100, by the way. Lexity will do. Yes, come on, everybody. Are you ready to solve some tough questions? Tumko challenge pasand I'll give you challenge today. All these are previous year NSO questions. I remember you, obviously, here. Bilkul, Sanvi. Bilkul, you can. See, even if you have given your Olympia, it doesn't matter.

आर इन फुल स्विंग एंड यू शुड ऑल्सो बी क्योंकि कल चैलेंज मिलेगा एंड सीन नो ठीक है एवरीबॉडी क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड प्रेस द नोटिफाइ मी बटन यू डोंट मिस सेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड शेयर सबको बोल दो कल सात बजे मिलने वाले हम लोग है ना बहुत मजा आएगा यस yes, एकदम बढ़िया चालू करें फर्स्ट क्वेश्चन से क्या बोलते हो चालू करें राइट लेट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन अरे तो पेरिस्कोप जैसा लग रहा है यार दिस दिस लुक्स लाइक अ पेरिस्कोप नो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर मेड यूज ऑफ इन द पेरिस्कोप शोन हियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर मेड यूज ऑफ इन द पेरिस्कोप शोन हियर तीन स्टेटमेंट दिए हैं राइट आर थ्री लाइट देस वेरी फास्ट लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड नाउ यू हैव फोर ऑप्शन पहला बोल रहा है टू एंड थ्री ओनली बोल रहा है एंड ओनली तीसरा फोर्थ इज सेइंग वन टू एंड थ्री ऑन क्विकली फटाफट थ्री 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 वेरी गुड वेरी गुड सी दिस इज अ प्रीवियस इू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन है ना दो हजार पंद्रह दो हजार सोलह में आ रखा है ये क्वेश्चन अब जस्ट थिंक अबाउट अ पेरिस्कोप लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट क्या पेरिस्कोप को मतलब है इससे हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स इससे क्या फर्क पड़ता है आई मीन आई नो पेरिस्कोप जॉब इज टू सी समथिंग विच इज नॉट इन योर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है ना दैट इज वाई वी यूज पेरिस्कोप टू सी समथिंग विच इज नॉट इन योर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट जैसे कि सब के लोग करते हैं राइट right? ऊपर देखने के लिए नीचे से देखते हैं ऐसे ऐसे करके राइट दैट इज पेस्कोप लाइट कैन भी रिफ्लेक्टेड हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार इफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड पेरिस्कोप बिकम्स वेरी नाइस

एवरीबॉडी ऑप्शन थ्री पक्का कोई डाउट कोई शंका कोई दुविधा जल्दी बताओ यस ऑप्शन थ्री क्लियर कट विनर है भाई एंड ओनली यस और नो जल्दी बताओ स्टूडेंट वेरी गुड आरोही वेलकम वेलकम सॉरी अनोखी क्लियर फटाफट नहीं नहीं अरे ब्लर नहीं है यस वेरी गुड चलो आ गया क्वेश्चन नंबर टू भाई क्वेश्चन नंबर टू देख लेते फटाफट द रीजन आई एम स्मॉल बिकॉज क्वेश्चन आर बिग अब क्वेश्चन बड़े हैं तो मेरे को छोटा होना पड़ गया आज है ना यस रविंदर पोल की जरूरत नहीं है स्टूडियो सब लोग तैयारी कर रहे हैं भारत कल फायर कर कर है ना समझ नहीं आया सृष्टि पेरिस्कोप में क्या चाहिए पेरिस्कोप में क्या होता है यू हैव अ लाइट You have a mirror which is a 45 degrees, light reflects. Again, a mirror 45 degrees, light reflects again. Right? Because of reflection, you can use a periscope. Because light travels in a straight line, you can use a periscope. Light travels fast, it doesn't matter. So that's why it was the two. Okay? Clear? Chalo? This question, they go Look at this question. The question says: A child is standing in front of a magic mirror. If you go to these spheres, you might see those mirrors. Right? बड़ा छोटा उल्टा ऐसा दिखता है राइट शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड इज ऑफ द सेम साइज सर लग रहा है सेम साइज का फाइन द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज बिगर एंड दैट द लेग्स आर स्मॉलर फाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज वॉट हांजी कमॉन इजी क्वेश्चन है यार ये दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू गाइज नो इट आई नो दिस इट्स ओके okay, बच्चा यू आर लेट वी आर ऑन सेकंड क्वेश्चन यू हेवन मिस् मच जल्दी बताओ फोर 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 वन वन फोर फोर टू टू वन वैसे ज्यादा आ रहा है ना विच मिरर गिव्स यू सेम साइज सर प्लेन मिरर ड्रेसिंग टेबल में जब देखते हो ऐसा लगता है तुम बड़े हो छोटे हो मोटे हो नाटे हो पतले हो ऐसा कुछ नहीं होता ना राइट वट एवर साइज यू आर द सेम साइज इज योर इमेज इन अ प्लेन मिरर करेक्ट सच बात है सर प्लेन मिरर होगा टॉप ऊपर है प्लेन मिरर वेरी गुड सेकेंड वाला

थर्ड वाला सेकंड इज कॉन केव एंड थर्ड इज थर्ड इज कॉन वैक्स यस करेक्ट क्लियर है ना देखो तो सच बात है क्या निकला आंसर सर ऑप्शन वन यस yes. ऑप्शन वन दो नाइ इंसाफी है वी हैव एटी वन लाइव वॉचिंग यार तीस लोग क्या कर रहे होस एवरीबॉडी क्लियर क्वेश्चन नंबर टू इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्लियर ये जल्दी बताओ नाइस नाइस वेरी गुड हर्षदा अनन्या हिमांशु कैथरीन इट्स ओके कैथरीन सी इफ यू लव चैलेंजिंग क्वेश्चन यू कैन स्टे

क्वेश्चन ध्यान से समझना है ना जस्ट लिसन टू द लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली क्वेश्चन इज सेइंग द मिरर इज ऑफ 2 मीटर विड्थ फाइन सेंटर ऑफ द मिरर वी हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे ठीक है ये एस दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे ठीक है सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देन व्हाट डू वी हैव राहुल वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीटर फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर मिरर है मिरर के सेंटर से वन मीटर दूर वी अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अब राहुल क्या कर रहा है राहुल क्या कर रहा है राहुल मिरर से दो मीटर दूर ऐसे पैरलली वॉक कर रहे हैं राहुल इज वॉकिंग पैरल हाउ फार फ्रॉम द मिरर टू मीटर दो मीटर दूर है राहुल बहुत बढ़िया ना द क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिर इज फोर ऑप्शन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन का क्वेश्चन है यह इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन मैथ्स भी लगेगा दिमाग भी लगेगा फिजिक्स भी, I mean, फिजिक्स तो लगेगा लगेगा कम इक्र से वन प्रिंस वन हेलो मत है सृष्टि वन अनया वन हेलो अंजली टू okay. ओके ये कितने लोग डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे हो हाउन यू आर सोल्विंग आफ्टर मेकिंग अ डायग्राम देखो हवा में मत करना प्लीज डोंट सॉल्व इट लाइक दिस डोंट टेक अ गेस ध्यान से सॉल्व करो एंड देन गिव मी द आंसर यस डिड नॉट अंडरस्टैंड लिसन टू मी देखो वॉट इज हैिंग देर इज मिरर सर हाउ बिग 2 मीटर वाइड वेरी गुड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर वन मीटर डिस्टेंस वी है कौन राहुल नाम तो सुना ही होगा राइट राहुल वॉट राहुल राहुल जो है मिरर से टू मीटर दूर टू मीटर अवे फ्रॉम द मिरर राहुल एस ए पैरल वॉक कर रहा है ऐसे राइट क्वेश्चन इज उसको कितनी दूर तक यह बल्ब दिखेगा राइट हाउ मच डिस्टेंस राहुल कैन कवर सच दैट ही सीज द बल्ब इन द मिरर क्वेश्चन क्लियर है अब यस हेलो वरुण जल्दी बताओ कमान 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 एवरीबॉडी आ नाइस हाँ रहना दैट्स गुड दैट्स बेटर बट स्टिल वी कैन डू बेटर यस वन लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वन सॉल्व कर रहे हो ना डायग्राम इज डन वेरी गुड अच्छा ठीक है लगिए आज के सामने इफ दिस इज योर मिरर रुक जाओ मिरर अच्छा नहीं लग रहा इफ दिस इज योर मिरर ठीक एंड हेयर इज योर बल्ब राइट एंड लेट्स राहुल इज स्टैंडिंग ओवर हियर ये है राहुल की आंख हा नैना प्यारे प्यारे फाइन दिस इज द आई ऑफ राहुल बढ़िया टू सी द बल्ब क्या होना चाहिए रिफ्लेक्शन वेरी गुड सर लाइट फ्रॉम द बल्ब शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द मिरर एंड रीच टू राहुल तभी तो दिखेगा द मैक्सिमम लिमिट रिफ्लेक्शन कैन अक इज द कॉर्नर ऑफ द मिरर तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि सर लाइट जाएगा नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा ऐसे ऐसे दिस इज द एरिया विच राहुल कैन कवर स ऑर नो कम डेलमी येस ऑर नो यस डेवल सर लिसन लिसन येट इट कमॉन इफ यू हैव अ बल्ब हेयर एंड यू हैव मिररर हेयर राइट फ्रॉम लाइट फ्रॉम द बल्ब विल फॉल ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड राहुल को यह लाइट दिखनी चाहिए देन ओनली ही कैन सी द इमेज ऑफ द बल्ब राइट है ना तो फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द मिररर द लाइट विल रिफ्लेक्ट एंड दिस इज द एरिया विच राहुल कैन कवर टू सी द बल्ब बात समझ में आ रही है है ना नो लेट मी शो यू माय डायग्राम देखो दिस इज योर दिस इज योर पॉइंट सोर्स करेक्ट दिस पॉइंट सोर्स विल फॉर्म एन इमेज इनसाइड द मिरर कितना दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स मिरर डिस्टेंस कितने लोगों ने वो सेशन देखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर्स आई डिड अ वेरी नाइस सेशन यार तुम देखते नहीं हो

टू बी पहले बताओ अग्री और नॉट अग्री यस और नो कम जल्दी 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 और ये हो रहा है ना दैट इमेज देखना है मेरे को एंड दिस इज माई लेंथ आई कैन कवर यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग यार है ना नाउ कितने लोगों को सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पता है हाउ मेनीफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स टेलमी यस और नो अर्ष में हमने पढ़ाया होगा यार मेरे को लगता है हाउ मेफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सिमिलैरिटी यस और नो यस यस नो अच्छा ठीक है देखो वेदर यू नो सिमिलैरिटी और नॉट यू कैन स्टिल सॉल्व इट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तुम सॉल्व तो कर सकते हो सर कैसे करेंगे कैसे करोगे राइट लिसन 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 देखो वन थिंग इज वेरी क्लियर के सर दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरल क्यों भाई दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट है ना नाउ दिस वॉज योर वन लाइन दिस वॉज योर वन मोर लाइन करेक्ट राइट ठीक है सर बोथ लाइन विल बी इक्वल ओनली भाई सेंटर पे है ना दिस पॉइंट एस इज एट देंटर तो ये लाइन ये लाइन इक्वल होगा तो आप बोल सकते हो कि सर दिस इज 45 फाइव डिग्रीज दिस इज 45 फाइव डिग्रीज राइट तो बच्चों दिस इज डूएबल आप कर लोगे बट ले गिव यू गिव यू अ स्मॉल आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी देखो सुनो सुनो अब सुनो ध्यान से हां, थोड़ा सा मैथ काज फाइन बट सिमिलैरिटी इज द थिंग ओवर हियर लेट से यू हैव वन ट्राइंगल एज दिस ठीक है एंड दिस इज योर एंगल ए

क्या बोलता है सिमिलैरिटी सी के ऑपोजिट में क्या है भाई सी के ऑपोजिट में ट्रायंगल वन में क्या है सर एक्स सी के ऑपोजिट में सी के ऑपोजिट में ट्राइंगल टू में क्या है सर पी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू यू कैन चूज एनी एंगल ए के ऑपोजिट में क्या है सर वाई यहां पर क्या ए के ऑपोजिट में क्यू एक्स अपॉन पी इक्वल्स वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू यहां बी के ऑपोजिट में क्या है सर जेड यहां पर क्या uh, yes, यह है आर क्लियर हुआ यस एवरीबॉडी इज दिस क्लियर जल्दी बताओ ये छोटी सी चीज क्लियर हुई दिस इज कॉल्ड ए सिमिलैरिटी सेम एंगल्स एंग ऑपोजिट साइड विल बी इन रेशियो है ना दे विल बी इन प्रोपोर्शन यू कैन से कि x अपॉन p इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन आर यस और नो जल्दी क्लियर हो रहा है दोनों ट्राइंगल्स के एंगल सेम है तो सेम एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स है ना उनका रेशियो बराबर होगा उनका रेशियो बराबर होगा ठीक फाइन अब देखो ये एंगल अगर आप दो ट्राएंगल लो इफ यू टेक टू ट्राइंगल सर वन इज दिस बिग ट्राइंगल ये वाला ठीक है रुक जाओ इसका नामकरण कर देते ना अच्छा हो जाएगा ए बी ये हो गया सी ये हो गया डी और ये हो गया ई पॉइंट आई एम सेइंग ट्राएंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल सी ए बी आर सिमिलर सर कैसे भाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल पैरल लाइन्स है ना करेक्ट ओके देन आई कैन से सर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल क्यों सर पैरल लाइन राइट अब अगर हम बात करें ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो सेम है बोथ द ट्राइंगल्स द सेम टॉप एंगल ये टॉप एंगल दोनों में सेम है भाई करेक्ट यस 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 सर इसका मतलब दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स ना लेट्स टेक रेशियो फटाफट लेट्स टेक ध्यान ध्यान से से सर आई टू फाइंड दिस ना ठीक है द रेड वाला एंगल ना रेड वाला एंगल यू कैन से सर डी ई अपॉन वट ए बी इज इक्वल टू और क्या पता है वॉट एल्स डू यू नो सर आई नो दिस कंप्लीट हाइट इज इक्वल टू ई के ऑपोजिट में क्या है

दिस थ्री मीटर्स ओ डी कितना है डी ई इज टू टू अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री सो ए बी इज इक्वल टू थ्री इन टू टू मीटर्स, सो करेक्ट आंसर इज सिक्स मीटर्स यस जल्दी बताओ नयन क्वेश्चन पूछ रहा हूं डेवल सर लिसन टू मी लिसन टू मी वेरी केयरफुली बच्चों सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट लग रहा है कुछ नहीं

क्वेश्चन भारी था ना ये ये अच्छा लगा क्वेश्चन जल्दी बताओ थोड़ा चैलेंजिंग था दिस वाज स्लाइटली चैलेंजिंग यस और नो सृष्टि बच्चा सिमिलैरिटी इज द कॉन्सेप्ट इफ यू लिसन टू दिस अगेन नो यू विल गेट इट पक्का यस yes, है ना वेरी गुड बस यही चैलेंजिंग चैलेंज करेंगे हम लोग है ना राइट वेरी गुड एंड पीपल सी इफ बेसिक्स आर क्लियर नो यू हैव टू बी रेगुलर टू द चैनल बिकॉज सिमिलैरिटी आई पढ़ाया होगा अर्श मैम स्टेड टॉट यू सिमिलैटी अगर आपको सिमिलैरिटी आता है दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी फॉर यू राइट सो प्लीज बी रेगुलर एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना चलो आ जाओ ये वाला आसान है यार दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान से देखो ऑब्जर्व ऑब्जर्व द गि सर्किट डायग्राम्स एक्स एंड वाई आइडेंटीफाई द करेट स्टेटमेंट टू थाउजेंड क्वेश्चन है ये दिस इज 2018-2019 क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्स और वाई Identify the correct statement. Yes. Question 2 is not. Eh? Achha, question 2. You ask me in the comment section, I'll reply you back. Achha, don't worry. Come on. Yes. Indrajeet. Set Bye. You tell me in the comment section, we'll have a look. Pakka. Hello. X and Y are two circuits. Tick. Option A: Circuit Y is a series circuit. You have to find the correct statement. Kya hai correct statement. What is the correct statement? Yes.

पैरल सर्किट बल्ब टू इन सर्किट एक्स विल ग्लो इवन वेन बल्ब बल्ब वन इज फ्यूज अच्छा सर्किट एक्स कौन सा है सर्किट एक्स इज अज सर्किट सो इफ वन बल्ब फ्यूज एक बल्ब फ्यूज हो गया सर्किट इज ब्रोके चलेगा ऑप्शन बी इज ऑल्सो इन करेक्ट यार ऑप्शन सी इन सर्किट वाई बल्ब थ्री विल ग्लो ओनली इफ स्विच एस टू इज क्लोज क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन यू क्लोज द स्विच एस टू ओनली बल्ब थ्री विल ग्लो सच है ये तो दिस इज ट्रू इट्स अ पैरल सर्किट यू हैव इंडिविजुअल कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल बल्ब्स राइट सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू ऑप्शन सी ठीक है ऑप्शन डी बोथ सर्किट्स एक्स एंड वाई आर पैरल सर्किट्स क्या बात कर रहे हो सर जी वी गॉट द आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर एकदम है ना यस

b b b regular to the channel fine come on question number five ah Consa statement incorrect hai? which of the following statements is incorrect 2017-18 question difference between parallel series circuit Aha. series circuit may distribution of voltage happens parallel may distribution of current happens see today you might feel sir सीरीज़ क्लास टेंथ के बच्चे तो ऐसे करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट हाँ प्ले टाइम एल्टीच एलटी पक्का ओलंपियाड खत्म हो जाएगा ऐसे करते करते कमान 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 आरी गुड अच्छा चलो तो साथ में करते हैं गीजर रूम हीटर इलेक्ट्रिक बेल आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट वन ट्रू है फॉल्स on. है कमान कमान स्टेटमेंट वन ट्रू है फॉल्स है स्टेटमेंट वन ट्रू और फॉल्स यस जल्दी 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 ट्रू ट्रू फॉल्स इट्स प्ले टाइम इट्स फिजिक्स प्ले टाइम होगा कल सात बजे एम टेलिंग यू आना पड़ेगा तुमको इतना धमाके हो रहे हैं ना यहाँ पे <laughs> अरे फॉल्स है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक क्वेश्चन खेल रहा है तुम्हारे साथ यार गीजर रूम हीटर हीटिंग इफेक्ट यस इलेक्ट्रिक बेल कहा इफेक्ट वो कौन सा हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब बेल्स इलेक्ट्रिक बेल को क्या मतलब हीटिंग इफेक्ट से सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स भाई स्टेटमेंट वन इज नॉट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टू In a closed circuit, amount of heat produced in a piece of wire depends upon the length and the thickness of the wire. True or false? Hanji? Yes. Nice, nice. Come on, come on. False. Depends upon the length and thickness of wire. Achha, resistance pe karta hai, nahi karta hai. Amount of heat produced, does it depend on resistance? हाँ सर करता तो है अरे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और थिकनेस पे क्वेश्चन बहुत चालाक है मेरे दोस्त दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी शातिर राइट दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज लाइक अ फॉक्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड थिकनेस क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन थिकनेस यस व्हाई बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू सी तो इज इक्वल टू सी हो गया ना भाई है ना सिंपल सी बात है ट्रू हो गया ये अरे सेकंड टू ट्वेंटी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन वन सेकेंड ना इफ इट इज कनेक्टेड वॉट इज द पावर रेटिंग पावर रेटिंग का मतलब पता है क्या होता है पावर रेटिंग का मतलब है ज कितना सिक्सटी वॉट्स टू ट्वेंटी वोल्ट इफ यू गिव टू ट्वेंटी वोल्टिस बल्ब सिक्सटी वॉट पावर पावर क्या है एनर्जी अपॉन टाइम एक सेकंड में इतना एनर्जी मिलेगा राइट सो यू आर गेटिंग जूल्स ऑफ एनर्जी इन वन सेकेंड इी वॉट्स सच बोल रहे यार ये दिस क्वेश्चन इज सचा गुड बॉय ट्रू वायस लास्ट वाला स्ट्रेंथ ऑफ मैगिक फील्ड ऑफ कॉल डिक्रीजेज इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इंक्रीजेस मजाक मत करो यार तो फॉल्स है क्लियर है थर्ड वाला क्यों फॉल्स है सर 60 पर पर सेकंड सेकंड होगा नॉट 220 क्लियर एकदम है ना सो वन थ्री एंड आर इनकरेक्ट सच बात बढ़िया यस वेरी सैड अरे आई नो आई नो आई नो लोडिंग दिखा रहा है क्या बात कर रहे हो इज इट जल्दी इज इट क्लियर Clearly visible. सब बढ़िया चल रहा है ना भाई समबडी सेट सर लोडिंग दिखा रहा है buffering दिखा रहा है, that's why stopped. एकदम, lag, it no. रहा है. है. एकदम अरे नहीं मेरा तो सही चल ना? पक्का ठीक है अब सुनो एवरीबॉडी इफ यू लाइक चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना इफ यू लाइक चैलेंजिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई देम फॉर फ्री कहां पे ऐप पे अभी ये थोड़ा ग्लिच मारेगा अपनी ग्रेड सेलेक्ट करना राइट इफ यू जस्ट डाउनलोड मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट के अंदर जाना एंड यू गेट अ टेस्ट यू कैन गिव दिस टेस्ट एंड डजेंट मैटर इफ यू आर अ प्रीमियम यूजर और यू आर अ फ्री यूजर ये सबके लिए अवेलेबल है सो द रीजन वी टेल यू टू डू दिस ताकि तुमको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल जाए इट्स लाइक अ टेस्ट यू कैन गिव सिटिंग एट यू होम अपने फोन पे गो अहेड ट्राई इट आउट ये ओलंपियाड क्वेश्चन अच्छे हैं काफी और आपको टेस्ट मिल जाएगा ठीक है ट्राई इट आउट इट्स फॉर आई एम टेलिंग यू अगैन इट्स फ्री एंड फॉर एवरीबडी गो अहेड चेक इट आउट लिंक ऑफ द एप इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लो अगर किसी के पास नहीं है और टेस्ट देकर देखो यस वेरी गुड यू नो दैट नो नाइस यार चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की कम ऑन एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें कहानी है रोहन की नाम तो सुना ही होगा वेरी गुड वेरी गुड यार नाइस नाइस वेरी गुड नाइस रोहन 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 इज गोइंग टू द स्कूल फादर बाय कार द ओडोमीटर ऑफ द कार एवरी फाइव मिनट्स टिल ही रीच द स्कूल एवरी फाइव मिनट्स रोहन इज नोटिंग डाउन द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर क्या करता है ओडोमीटर Tells you distance, है ना सो बेसिकली रोहन इज नोटिंग द डिस्टेंस का रीडिंग आफ्टर एवरी फाइव मिनट ठीक

वेन यूर बाइक रन थ्रू सेवन थाउजेंड किलोमीटर्स अरे बहुत चल गई है तो अब इसकी सर्विसिंग करा लेते हैं राइट है ना सो दैट इज द ओडोमीटर इट टेल्स यू हाउ मच डिस्टेंस योर वहीकल है कुछ समझ नहीं आ रहा वीडियो क्रिएटर बच्चा बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करना है उसके लिए है ना सारे वन शॉट्स हैं एक बार देखो तो राइट है ना हेलो आराध्या कमानस यस यस हांजी ए आई गॉट वन आंसर इज ए समृद्धि यू कैन फाइंड इफ यू गो टू द एप नो दर इज सेक्शन ऑफ मॉक टेस्ट वही होम पे मॉक टेस्ट का सेक्शन है यू क्लिक ऑन मॉक टेस्ट इट विल गिव यू ऑल द मॉक टेस्ट जहां पर मैथ्स ओलंपियाड है साइंस ओलंपियाड भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल ऑफ दिस इज देर सो ईजी ए ए अरे वाह अच्छा एक बार बताओ यू टेलमी समथिंग टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है टोटल टाइम ड्यूरेशन इज हाउ मच सर 7:30 थर्टी टू सेवन मतलब साढ़े सात से सात पचास ट्वेंटी मिनट्स राइट टाइम इज हाउ मच सर ट्वेंटी मिनट्स वेरी गुड डिस्टेंस कवर्ड इन दिस ट्वेंटी मिनट्स इज हाउ मच सर इनिशियल रीडिंग इज थ्री सिक्स फाइव नाइन थ्री फाइनल इज थ्री सिक्स जीरो फाइव सो फाइनल माइनस इनिशियल है ना इफ़ यू डू फाइनल माइनस इनिशियल यू विल गेट वॉट यू विल गेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड सो थ्री सिक्स सिक्स जीरो फाइव माइनस थ्री सिक्स फाइव नाइन थ्री कितना कर लो भाई दिस इज टू टेन माइनस फाइव 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 जीरो अरे वाह किलोमीटर किलोमीटर भाई डिस्टेंस है फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड इफ यू नो शॉर्टकट यू कैन डू इट कैसे फाइन किलोमीटर पर आर यूज द शॉर्टकट कैसे सर किलोमीटर पर आर में कितना आएगा 12 किलोमीटर और यू कैन अरे छोड़ो तुम शॉर्टकट भी छोड़ो डायरेक्ट 12 किलोमीटर मतलब सर 12000 मीटर 12 1000 मीटर व्हाई ऑल द ऑप्शंस आर मीटर पर सेकेंड दैट्स व्हाई नीचे क्या है 20 मिनट मतलब सर 20 60 काफी है है ना सर 20 zero, zero gaya, 2, 0 0 गया दो जीरो कट गए 6 12 इज 12 कितना आ रहा है अरे ए कौन बोल रहा था यार ये हु वाज टेलिंग ए यस ए अरे

ग्राफ इज आस्किंग यू के कॉन्स्टेंट स्पीड इज फ्रॉम विच टाइम इंटरवल आई मीन इन विच टाइम इंटरवल कौन से में है कॉन्स्टेंट स्पीड जल्दी ये ड्रैगन ड्रॉइंग अरे तुम पहले फ्री फीचर यूज करो उसके बाद सोचना खरीदने की एंड समबड़ी विल कॉन्टेक्ट यू ये बात सबको पता है सी इफ यू डाउनलोड द ऐप दैट ट्रू दे विल आस्क यू इफ यू लाइक द ऐप वुड यू लाइक टू बाय ठीक है ये होगा एंड दे विल टेल यू डोंट वरी स्पीडोमीटर इट विल टेल यू स्पीड कितना स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड ब्लर नहीं दिस इज फाइन बच्चा इट इज नॉट ब्लर आई कैन सी इट हां जी आप नेम बायजूज द लर्निंग ऐप इट्स गिवन डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे मोर लिखा है मोर पर क्लिक करो आपको लिंक मिल जाएगा यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट इट सी 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 नाइस अरे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हाउ डू यू सी कॉन्स्टेंट स्पीड सर इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस जीरो से टी वन में डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट मतलब बॉडी खड़ी है चुपचाप एट रेस्ट टी वन से टी टू में इट इज अ स्ट्रेट लाइन मतलब सर दिस इज कॉन्स्टेंट स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज सेम मतलब स्पीड इज सेम क्लियर हो गया सो करेक्ट आंसर इज सर t1 से t2 इजी क्वेश्चन था एकदम है ना इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन नाइस चलो क्वेश्चन नंबर 8th कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8th इफ द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम बॉब ऑफ अ पेंडुलम हे आई हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर यार इफ द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू मूव फ्रॉम पॉइंट r टू p इज 4 कहां से कहां r पी आर टू पी पी इज एक्सट्रीम आर इज मीन ठीक है फाइन देन दिन बाई टू कंप्लीट इट्सेशन एक ऑसोलेन कितना टाइम ले बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड आई हैव टॉट सच अ थिंग जब भी हम तैयारी करिए ना आई है अच्छा सॉरी यस रोना आ रहा है अरे नहीं इंद्रजीत साइंस स्टूडियो के लिए आपको कल आना पड़ेगा शाम 7:00 बजे एंड आई विल टेल यू फुल पढ़ाई होगी आ पढ़ाई नहीं मस्ती में पढ़ाई होगी विल एक्सप्लोर द साइंस ऑफ फायरवर्क्स एंड इफ यू हैव सीन द प्रोमो यू नो व्हाट्स कमिंग यस कम बी सी बी सी बी सी अच्छा ओ ए बी एंड सी सारे आंसर दे दो तुम लोग हैं अरे एक बात बताओ यार व्हाट एम सेइंग आर इज मीन एक्सट्रीम एक ऑक्न किसको बोलते वॉल्डेशन सर फ्रॉम वन एक्सट्रीम द बॉब है सेम पॉइंट अगेन राइट इसको यहां से चलना है बीच में जाना है वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप इच स्टेप टाइम टेकिन इज सेम इच स्टेप टाइम टेकिन इज सेम राइट

क्या है इसमें? अच्छा ही प्लेस द लाइटेड कैंडल बिलो द मेटल रॉड एट पोजिशन एम अच्छा ठीक है सर एम एम दैट इज ओके ठीक ही द सेम अमाउंट ऑफ वैक्स टू होल्ड ऑल द थम टैक्स एट पोजिशन डब्ल्यू एक्स वाई जेड अरे कुछ नहीं उसने ना ही यूज वैक्स एंड पुट डाउन नीडल्स बेसिकली ठीक फाइन

एम के सबसे पास कौन है वॉट विच पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू एम सर वाई पहले कौन गिरेगा पहले कौन चलेगा अरे वाह सर ऑप्शन बी वाई ये है Second, वाई के बाद कौन है अच्छा सर एंड कंडक्शन में सर इट ट्रैवल्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन सेंटर में यू आर गिविंग हीट हीट कैन गो टू वेज इट विल गो इक्वली दोनों साइड में इक्वली है ना इट इक्वली ट्रेवल करेगा करेक्ट सो फर्स्ट

झकास ठीक है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पॉट अरे मिट्टी का घड़ा पॉट क्ले पॉट पहला ब्लैक पॉट आर यूज फॉर कुकिंग बिकॉज दे इंक्रीज द रेट ऑफ कुकिंग ब्लैक पॉट्स दे इंक्रीज द रेट ऑफ कुकिंग ओके ठीक है देख लेते हैं नेक्स्ट डिक्रीज द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन वे टू सेंड एंट्री इंद्रजीत सारी इंफॉर्मेशन आज ले लोग फिर कल क्या पूछोगे टूमारो इट्स अ वन आर सेशन खूब मजा आएगा एंड विल एक्सप्लोरिंग यू बी बी ऑन टाइम सेवन पी एम जो भी काम है उसको थोड़ा आगे कर दो या पीछे कर दो बट सेवन पी एम आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ टू बी लाइव लाइव आना है ठीक है बहुत जरूरी है फुल तैयारी चल रही है तुमको पता भी नहीं है पता पिछले तीन दिन से तैयारी चल रही है रेट ऑफ इट कैन एब्सॉर्ब दीट फास्टर यू कैन से है ना यस yes, बी क्या लगता है टॉप फाइव पूर्वी येस अरे पिछली बार तो आई वॉज स्लाइट डिसअपॉइंटेड एंट्री बच्चों ने एंट्री नहीं भेजी यार दे वर वेरी फ्यू एंट्रीज इफ आई टेल यू कोई गाड़ी की वीडियो भेज रहा है कोई कुछ भेज रहा है सो वी गॉट वेरी फ्यू बट नाइस एंट्रीज आई टेल यू टूमोर वी हैव शाउट शाउट आउट्स आउट्स वी हैव आई एम टेलिंग यू एंड पूर्वी आई रिमेंबर यू डोंट वरी चलो जल्दी आओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन यू ऑल्सो सेंड ना हिडन सीक्रेट मैसेज आई सो ऑल ऑफ देम बाय द वे पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले टू इंक्रीज द रेट ऑफ कुकिंग कौन सा करेक्ट है थैंक यू हरी यार एक बात बताओ ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दे एब्सॉर्ब मोर हीट सुना है गर्मियों में ब्लैक मत पहनो व्हेन यू आर गोइंग आउट इन द सन राइट सो ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स और ब्लैक कलर्ड पॉट्स दे एब्सॉर्ब मोर हीट दे हैव अ टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब मोर रेडिएशन राइट ये नहीं यार कैसी बात कर रहे हो कमान सुभाष्री हेलो एवरीबॉडी इज जॉइनिंग लेट क्वेश्चंस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बाय दू जॉइन नाउ प्रेस द लाइक बटन एंड वॉच दिस फॉर ओलंपियाड्स दे आर चैलेंजिंग क्वेश्चन चैलेंज दिस द सेशन फॉर यू यस जी अरे वरुण मेरे दोस्त हो गया ऑन फर्स्ट वन इज ट्रू सर पहला तो सही है ट्रू है एकदम दूसरा वाला सिल्वर पॉट्स आर यूज्ड फॉर कीपिंग फूड वार्म बिकॉज शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट रेडिएशन है ना है इट इज शाइनी सो दैट हीट कैन नॉट एस्केप आउट थ्रू रेडिएशन सर्दियों में सर्दियों में ब्लैक पहनते हैं क्यों बिकॉज सन राइट यू वॉन्ट टू एब्सॉर्ब गर्मियों में इन समर्स वी से वेयर लाइट कलर क्लोथ क्यों भाई वाई लाइट कलर्ड क्लोथ दे रिफ्लेक्ट लाइट राइट सो यू कैन सेब्सॉर्ब लेस रेडिएशन मतलब सर मतलब हीट कम लगेगा है ना सो सिल्वर पॉट्स आर यूज फॉर कीपिंग फूड वॉर्म जैसे तुम्हारा थर्मस योर हॉट कोल्ड वाला बॉटल इफ यू सी इनसाइड अंदर सिल्वर होता है वो, है ना? क्या so, मतलब है क्ले से क्या मतलब है राइट करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन वन इज द राइट आंसर क्लियर

अच्छी चीज है ये और ये फ्री है यार इसीलिए दैट्स में ठीक है श्योरली पक्का ठीक है बिल्कुल एवरीबॉडी सो विद दिस वी हैव डन टेन क्वेश्चंस टेन गुड क्वेश्चंस टेन चैलेंजिंग क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट बोर्ड और एग्जाम तो ठीक है बट ऑल दिस नो लाइफ में चैलेंज नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा है ना गो अहेड चेक द टेस्ट ऑन द ऐप एंड ऑल दीस 10 क्वेश्चंस इफ यू हैव मिस्ड टर टुमोरोट जाय सेवन पी एम कल सात बजे भूलना नहीं है बहुत जरूरी है ट्यूशन है कुछ भी है रिशेड्यूल कर दो फैमिली को बुला लो दोस्तों को बुला लो कजन को बुला लो बहनों को बुला लो जिसको बुलाने बुलाओ बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यूर लाइफ टुमोरोवन पी एम बिकॉज इज द बायू साइंस स्टूडियो द साइंस ऑफ माई वर्क सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी कीप डूंग एवरीथिंग वी कैन टू मेक श्योर यू लर्न बेटर यू बिकम बेटर स्टूडेंट है ना स्मार्ट बनो तुम All this is for that only. Subscribe to the channel. Press the bell icon. Like this video. Tell me in the comment section what else you want because we do it. Right? So everybody, keep revising. See you tomorrow, 7 p.m. at your own channel. By 6, 7, 8. Chalo. See you. Take care and bye-bye. Ikra. -bye. Very good.